हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लेक्सिक्रेशन। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज फिर से मैं आपके लिए एक नया DIY लेके आई हूँ। आई होप आपको अच्छा लगेगा। तो जिसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, तो ये देख लीजिए क्या चाहिए हमें। तो फ्रेंड, पहले एक कार्डबोर्ड लिया मैंने और उसके ऊपर आप कोई भी प्लेट लेके, जैसे मैंने रखी है ऐसे रख के आप कार्डबोर्ड के ऊपर उसको अच्छे तरह से उसकी कटिंग कर लीजिए। और इस तरह से हम काट लेंगे इसको, कार्डबोर्ड को। और फिर मैंने इसके ऊपर फोम शीट लगाई है फेविकोल की हेल्प से। तो फ्रेंड्स, बने रहिए, ये DIY आई होप आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। और बताइएगा प्लीज़ लाइक इसको कमेंट बॉक्स में कैसा लगा आपको। और इसको भी जो शेप हमारी कार्डबोर्ड की है, सेम हमने फोम शीट को भी कट कर लेना है और उसके साथ हम इसको स्टिच कर देंगे। ये देखिए। और फिर मेरे पास काफ़ी टाइम से वेलवेट का क्लॉथ पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा आज उसको उससे कुछ बनाया जाए। तो कार्डबोर्ड के ऊपर कपड़े को भी रख के उससे 1 इंच आपने थोड़ा ज़्यादा रखना है, ताकि आप पीछे की ओर उसको फोल्ड कर सके अच्छी तरह से। और जो कपड़ा हम ये ऊपर लगाएंगे, जहाँ पे हम डिज़ाइन बनाएंगे अपने, उस पे उसको आपने नीचे से थोड़ा ज़्यादा काटना है। ये देखिए, जैसे मैंने नीचे की ओर बताया हुआ है। इस तरह से देखिए, हमने पूरा इसको स्टिक कर दिया है मैंने। और ये फिर मेरे पास एक स्टिक थी जो कि मैंने रखी, मैं रख लेती हूँ जो भी कोई ऐसी स्टिक वगैरह कुछ हो, कभी ना कभी काम आती है मेरे। तो इसको मैं, अगर आपके पास वुडन की स्टिक है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। और ये बच्चों की फाइल बुक आती है ना, उसके साइड में होती है, तो आप ये भी यूज़ कर सकते हो। तो मैंने इसके ऊपर भी, इसको थोड़ा सॉफ्ट करने के लिए, इसके ऊपर भी मैंने ये शीट लगाई है, फोम शीट। तो ये लगा कर इसके बाद फिर हम इसके ऊपर कपड़ा भी लगा देंगे वेलवेट का, ये हमारा हैंडल बन जाएगा। इस तरह से तो ये देखिए फ्रेंड, हमारी एक अच्छी तरह से एक स्टिक रेडी हो गई है। इसको एकदम से टाइट से कीजिएगा, ताकि अच्छी तरह से फिनिशिंग आए। और फिर इसके ऊपर हम, मैंने लगाई है अपनी गोल्डन लेस, और आप भी इस तरह से इसको लगा दीजिएगा। सिर्फ ऊपर से आप इसको फेविबॉन्ड से स्टिक कीजिएगा, फिर ऐसे इसको घुमाकर नीचे की ओर एंड में जाके फिर से वहाँ पे एक बार फेविबॉन्ड से इसको स्टिक कर दीजिएगा। तो अच्छी तरह से इसके साथ स्टिक हो जाएगी। तो ये देखिए हमारी कितनी प्यारा तैयार हो गया है हमारी। और फिर इसको हम यहाँ पर इसको लगाएंगे पीछे की ओर। और जो कपड़ा हमने एक्स्ट्रा रखा था, अब आपको समझ आएगा क्यों रखा था। अब हम इस, वो जो कपड़ा एक्स्ट्रा ज़्यादा रखा था लंबा, उसको हम अब अंदर की ओर फोल्ड करेंगे और टाइट करके लगाएंगे अच्छी तरह से, जितना टाइट आप कर सकते हैं। और किसी चीज़ के साथ आप अच्छी तरह से कपड़े को अंदर की ओर अच्छे से इसको स्टिक कर दीजिए, ताकि अच्छे से चिपक जाइए। और फिर फ्रंट जो पीछे का हमारा, जैसे अच्छा नहीं लग रहा है इसको, ऐसे अगर हम छोड़ देंगे, तो इसी साइज़ का मैंने एक और कपड़ा काटा है, वो अब हम इसके पीछे लगा देंगे, ताकि हमारा आगे और पीछे दोनों साइड बिल्कुल प्यारा सा हमारा पंखा तैयार हो जाए, हैंड फैन।
तो ये देखिए फ्रेंड, अच्छी तरह से हम इसको भी यहाँ पे स्टिक कर दिया। तो अब हम इसको करेंगे थोड़ा सा डेकोरेशन इसकी, ताकि देखने में अच्छा लगे हमारा ये। तो ये देखिए इसको मैंने ऐसे लगा दिए यहाँ पे, इसको मैंने अच्छी तरह से अपनी लेस लगा दी है और ये डायमंड की शेप में बनेगा। आप कोई भी डिज़ाइन आपको अच्छा लगे आप कर सकते हो, मेरे को ये अच्छा लग रहा था मैंने ये किया। और फ्रेंड इसको थोड़ा सा ज़्यादा काटेंगे, ये देखिए मैंने थोड़ा थोड़ा लंबी रखी है। फिर इसको अंदर की ओर हम पीछे की ओर इसको अच्छे से पेस्ट कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड कितना अच्छा डायमंड शेप बन रहा है, आप भी ऐसे बना सकते हैं, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ईजी है, देखने में लगता है। आई होप आप भी इसको पक्का ट्राई करेंगे, और जब कोई फेस्टिवल आता है तो उसमें ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं अपने घर को डेकोरेट करने के लिए, जैसे दीपावली में, कोई भी फंक्शन में आना फेस्टिवल में। इसको आप अपनी वॉल डेकोर में भी यूज़ कर सकते हैं। और फिर मैंने इसके ऊपर थोड़े से मेरे पास गोल्डन बीट्स है, तो ये इससे मैंने इसको थोड़ा और डेकोरेट किया। तो ये देखिए बड़े आराम से इस पर लग गए हैं, तो ये हमारा बनके रेडी हो गया है। तो फ्रेंड देखने में यहाँ पे आपको जितना अच्छा लग रहा है उतना ही अच्छा रियल में भी बहुत प्यारा लग रहा है ये। आई होप आप प्लीज़ इसको ट्राई कीजिएगा और इसको प्लीज़ बनाइएगा, और अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। और ये देखिए रेडी हो गया हमारा एकदम से। और जो न्यू है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना आइकॉन बेल प्रेस कर दीजिएगा, ताकि न्यू नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो ये देखिए फ्रेंड इसको वॉल डेकोर में भी हम यूज़ कर सकते हैं, कहीं पर भी आप ड्राइंग हॉल में भी यूज़ कर सकते हैं कहीं भी। तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का प्यारा सा DIY, आई होप आपको अच्छा लगा होगा और आपने एंजॉय किया होगा, और आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर DIY अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स, और हैव अ नाइस डे। बाय बाय, टेक केयर।